बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ फ्रेज़, यानी कल हमने फ्रेज़ के डिफिनीशन के बारे में पढ़ा था, तो आज नेक्स्ट लेक्चर है फ्रेज़ के काइंड के हवाले से। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे साथ नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट एज सिंगल नाउन, यानी ऐसे अल्फाज दो तीन चार, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जो सिंगल नाउन जो है वो प्ले रोल, जो है रोल है वो प्ले करें। यूज्ड ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ये कहीं भी लग सकता है, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। एग्जांपल की तरफ आते हैं, रीडिंग नावल इज़ अ गुड हैबिट, यानी नावल पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो रीडिंग नावल क्या हुआ? नाउन फ्रेज़ हुआ। वी आर सॉरी फॉर योर डिपार्चर, योर डिपार्चर जो है ये क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ द स्कूल बस, स्कूल द स्कूल बस, ये नाउन फ्रेज़ हुआ। माय फ्रेंड, नाउन फ्रेज़ हुआ। अब इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज़। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट एज एडजेक्टिव, यानी अल्फाज का ऐसा दो तीन अल्फाज जो मिलकर एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करें, सिंगल एडजेक्टिव। जैसे अली इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन, वेल बिहेव्ड, अब ये दो लफ्ज़ है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है और ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव आपको पता है कि नाउन को मॉडिफाई करता है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, यानी वो दोस्त मिजाज इंसान है, उसका जो मिजाज है वो बिल्कुल दोस्त है, दोस्ताना है, तो फ्रेंडली नेचर, ऑफ फ्रेंडली नेचर, ये आपके साथ एडजेक्टिव हुआ क्योंकि मेन को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे हम बोल लेते हैं ना वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, अब लाइफ को मॉडिफाई करने के लिए वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ हुआ है, तो ये आपके साथ ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद है एडवर्बियल फ्रेज़। एडवर्ब से निकला है, एडवर्ब वो लफ्ज़, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूज्ड एज सिंगल, यानी जो हम सिंगल एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं वर्ब को या एडवर्ब को। ठीक है जी, एडवर्ब के, एडवर्बियल फ्रेज़ के जो हमारे साथ एग्ज़ाम्पल है, द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड, यानी एट अ गुड स्पीड ये जो है रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। आई रन एज फास्ट एज पॉसिबल, ही वर्क्स वेरी स्लोली, मैं वो बहुत स्लो काम करता है, वेरी स्लोली, यानी टू वर्ड्स है या पे एक दो तीन चार लफ्ज़ है, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद है हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज़। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट विद प्रीपोजिशन, यानी वो अल्फाज का मजमूआ जिसके स्टार्ट में प्रीपोजिशन होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद प्रीपोजिशन, और इनका काम क्या होता है? कनेक्ट नाउन विद सेंटेंस। इन प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले प्रीपोजिशन आता है फिर उसके बाद नाउन फ्रेज़ आता है, पहले प्रीपोजिशन फिर नाउन फ्रेज़, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़। जैसे हम लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ, इन द एंड, ऑन द वे, इन द स्कूल, टू स्कूल, इन स्पाइट ऑफ, वर्किंग, इन ये सारे क्या हुए? ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेज़ हो गए। उसके बाद है हमारे साथ कंजंक्शनल फ्रेज़। कंजंक्शन आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि दो वर्ड या दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, तो वो दो या तीन लफ्ज़ जो मिलके एक कंजंक्शन प्ले करते हैं और वो लफ्ज़ों को या जुमलों को जो है जोड़ते हैं। एज सुन एज यू गॉट इन दे वेंट आउट, जैसे ही आप अंदर आए वो बाहर चले गए, तो ये यहाँ पे ये जो एज सुन एज, ये हमारे साथ एज सुन एज, ये हमारे साथ कंजंक्शनल फ्रेज़ है। दूसरा एग्जांपल हम बीच में लगाते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू, ये सर क्या है? ये बीच में लगते हैं दो जुमलों के बीच में। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू अगर हम यूज़ करें, आई हैव कम हेयर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स, मैं यहाँ आपको चीज़ों के वजाहत की गरज से आया हूँ, तो इन ऑर्डर टू जो है ये इन्होंने दो जुमलों को जो है जोड़ लिया। उसके बाद है इंटरजेक्शनल फ्रेज़। ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी इंटरजेक्शन आपको पता है कि ये हमारी फीलिंग्स को शो करता है, हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, गम होता है, कोई भी सरप्राइज मोमेंट होती है, उसके उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शन है। तो दो या तीन लफ्ज़ जो इंटरजेक्शन का रोल करें वो ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको हम इंटरजेक्शन फ्रेज़ कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ व्हाट अ पिटी ही इज़ डेड, यानी कितनी तरस की बात है, बहुत अफसोस हुआ कि वो मर चुका है। व्हाट अ प्लेजर आई वॉन, अब ये इंटरजेक्शन फ्रेज़ के बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाना है। ओह प्लीज़, सो स्वीट, माई प्लेजर, वेलकम, ये सारी जो है ये इंटरजेक्शन फ्रेजेज़ है। अब लास्ट वन है ए पॉजिटिव फ्रेज़। ए पॉजिटिव फ्रेज़ जो है उसमें नाउन और प्रोनाउन उसके साथ मॉडिफायर्स होते हैं, यानी एडजेक्टिव होता है जो उस नाउन को प्रॉपरली और भी मॉडिफाई करे। जैसे मैं बोलूँ अली के बारे में मुझे कुछ बोलना है, लेकिन अली कौन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है माई स्कूल फ्रेंड अली ऑलवेज़ कम लेट,
मेरा दोस्त जो है, जो मेरे स्कूल का दोस्त है जिसका नाम अली है, वो लेट आता है, तो ये मुझे अली के बारे में बात करनी थी। अली चूंकि नाउन है, लेकिन अली को ज़्यादा मॉडिफाइड करने के लिए मैंने माई स्कूल फ्रेंड लिखा। तो ये माई स्कूल फ्रेंड अली, ये क्या है, इसको कहते हैं पॉजिटिव फ्रेज। माई ब्रदर सुहेल लाइक्स टी, यानी हिज ब्रदर सुहेल लाइक्स टी। अब सुहेल कौन है? हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर जो है ये मॉडिफायर्स है, तो सुहेल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हिज ब्रदर सुहेल, ये पूरा जो है ये हमारे साथ ये पॉजिटिव फ्रेज है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे हम जेरंड और इन्फिनिटिव के बारे में बात करेंगे।